26 जनवरी और उसके बाद 28 जनवरी ये दो तारीखें किसान आंदोलन में ऐसी लिखी गई हैं जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुई हैं। लेकिन आज उन तारीखों के बारे में थोड़ा सा बात जो हम करेंगे वो अपने फेमस बिल्लू ताऊ से बात करेंगे, क्योंकि कि जितनी बारीकी और जितनी बेबाकी से वो बातचीत करते हैं और सरकार को घेरने की बातचीत करते हैं उनसे ही इन बातों में जानते हैं। ताऊ, दो तारीखें थी 26 जनवरी और 28 जनवरी, दो तारीखों आप किस तरह देखते हैं? भैया, दोनों ही दिन गलत है। हालांकि 26 जनवरी हमारो गणतंत्र दिवस है, लेकिन हमारे यहाँ तो वो भी गलत ही हो गए। 28 बातें ज़्यादा गलत, 28 उससे ज़्यादा गलत था। 28 में क्या ऐसा मसला है? क्योंकि राकेश टिकैत साहब वापस उठने थे, जा रहे थे, किसान सब जा रहे थे, लेकिन फिर रुक गए, फिर एकदम किसान आ गए, क्या वो हुआ? भैया, एक बात बताओ, टिकैत साहब ने ये कह दी कि भैया मैं गिरफ्तारी दे रहा हूँ अपनी, कोई बात ना, कि इन किसानों ने इनके सही थी यहाँ पे पहुँचाओ, इनके विधायक गुंडा ने लेके आ गए यहाँ, फिर क्या कसर रह गई? किसानों ने काटते मारते हत्या करते उनकी कहा करते हो, काय को आए वो बवाल, कार्ड भेजो हमने उन पे, और क्या प्रशासन कहा कर रहा हो? जब यहाँ 3-4 हजार फोर्स थी तो उनकी कहा जरूरत थी भाई? उनका कहना यह है कि स्थानीय लोग आए थे और वो आके यहाँ स्थानीय लोग माला फेराने आए, हमें स्थानीय लोग आए स्वागत कर रहे हैं हमारो, सब बीजेपी थी। बेकार की बात, तुम एक नया फॉर्मूला ढूंढ लाए, तुम पे है उनकी जाति पाती। तो ताऊ, जिस तरीके से तुम पे उनकी जाति पाती आधार कार्ड, आप जितने भी खबर, आप जितने भी मीडिया चैनल देखेंगे उसमें स्थानीय लोग बताए जाते हैं, आखिर क्यों? तो ये जो भाई, एक बात बताओ यार, मीडिया चैनल कह रहे हैं कि वो स्थानीय लोग, उन चैनल वाले से पूछ लो जाके कि भैया उनको कार्ड पार्ड अगम झगम कोई पहचान पत्र है तुम्हारे दिन, वैसी भौंकते डोलो तुम भी इतने बजरंग दल के आग उसे वो आते आयो क्या कहता दिल्ली पुलिस आपका आई कार्ड चेक करा नहीं आप एक सेकंड इतने बजरंग दल के आग हसे टेंटर ने ले गए, बाल्टी ने ले गए, साबन ले गए, बुर्स ले गए, जो सामान डस्टबिन ला को भाई भी ले गए, बढ़िया भी ले गए, घटिया भी ले गए, उन्हें सामान की जरूरत थी किसानों की। और कहा है वो बंदर भालू है, वो कुदकते डोले बंदर, बजरंग दल का हो बंदरन को दल वो यही काम करे, और कहा करे वो? आपको पता है बजरंग दल के संस्थापक कौन है? वो बताओ मेरे को, बाकी खुली चोटियां कौन संस्थापक है यार, काम यूपी के मुख्यमंत्री जी है। भैया मेरी बात सुनो, बंदर भालू के दल बनाओगे तो कुद्दक ही करेंगे वो वो बढ़िया काम ना करेंगे कोई सही बात को संस्थापक। क्यों, किसानों के लिए आज उन्होंने अनाज की भी तो सौगात रखी है। काय की सौगात दर दी, कहां से ले आई तुम्हें खबर है? आपने पढ़ी नहीं इसका मतलब? मन तू भी पढ़ा दो, कहां से ले आए? कहा नहीं उन्होंने कि किसानों का अनाज का जो है उनके MSP के हिसाब से खरीदा जाएगा? तो 4 साल से सो रहे हो, नींद खुली है 4 साल में, अब चुनाव आ रहे हैं 6 महीना पीछे, अब अनाज खरीदने चलती है बोरी लेके। तो आप उस बात, 4 साल से बोरी नहीं इनकी, कहाँ इनकी 4 साल से बोरी? आप उस बात में आ गए फिर MSP के? कौन सी में आ गए? गेहूं वाली में। अरे यार तुम बेकार की बात मत करो, उन फॉर्मूला ने अपना आपने कोई सुनने वालों ने किन्ने, 4 साल से इनकी बोरी नहीं इनके ढंग, अब 4 साल में बोरी बनी है, अब अनाज खरीदने चलती है ये। तो योगी जी के पहल से आप खुश? अरे कुछ नहीं है यार, बेकार की बात, खुशूसी की बात मत करो, इन पे कोई सौदा ना, झूठ बोलने की सेवा खाई पे। तो प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कहा है कि आप, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, इतने टाइम बाद वो बात करने के लिए आ रहे, पहले नहीं, 2.5 महीना में हो जाएगा, ही का काम है, बुढ़े आदमी है, ठंड में अकड़ रहे होंगे, जाड़ो ज्यादा पड़ रहा है, बुढ़े आदमी भी है, ठंड में अलावन से भी सूते ना आए रहे हमारे, अलावन पे सिके तो अभी सूते ना हो, दे दुख रही है, ऐसे चल रही है कहानी। आपकी और प्रधानमंत्री जी की उम्र एक सी नहीं लगती क्या? ना, मेरी तनमन कम होगी उनकी, ज्यादा बड़े भाई हैं भाई हमारे, बड़े भाई हैं आपके? क्यों, क्या बड़े भाई ना, जब उम्र ज्यादा तो बड़े भाई हैं। दाढ़ी बढ़ा लिया उन्होंने सिर्फ इसी वजह से कह रहे हैं? नहीं नहीं, उम्र भी हमसे ज्यादा, उम्र ज्यादा है उनसे, घनी ज्यादा। अच्छा, तो प्रधानमंत्री ने आज मन की बात की है, क्या लगता है किसानों के बारे में? भैया मैंने ना सुनी मन की बात, सुननी बंद कर दी है मैंने, और मन की बात सुननी बंद कर दो जितनी जल्दी अकल में आ जा गई के में, साफ बात है मेरी तो। जो सारे के सारे किसान तो मन की बात पे बिलीव करते हैं। कहाँ मिल गए तुम्हें भाई किसान, तुम हमारी कमजोरी ढूंढ रहे हो, 2.5 महीना से काम तुम में कुछ है नहीं, सरकार कह रही है कभी डराने को आ जाओ, कभी तुम धमकाने को आ जाओ, तुम भी भाई हिलने पे लग रही हो।
तुम भी कोई बढ़िया काम ना कर रही। तो उस 28 तारीख की रात हमारी टीम यहीं पर थी और 3 बजे तक हम लोग यहाँ रहे। आप डराने की बात कह रहे हैं, सरकार प्रशासन कभी कभी तुम करो गड़बड़, वैसे वादिन के नहीं तुम्हारा, सुन जाओ, वादिन के नहीं तुम्हारा धन्यवाद है, तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुम अच्छी पत्रकारिता करो, स्वास्थ्य तुम्हारे अच्छे रहे, जो मीडिया वाले वादिन है सभी के लिए धन्यवाद। और भैया तो बाकी जो मीडिया वाले हैं वो लोग तो उस दिन ये सोच रहे थे कि किसानों का आज आखिरी दिन है गाजीपुर पोर्टल। नहीं चलो वो क्या सोच रहे, हम तो खैर उनके निया ना के वादिन जो है उनके निया कुछ ना कहेंगे हम तो। वादिन सबके वादिन वाले को सबको धन्यवाद, कहू बात आगे तक पहुंच गई। हमने 26 तारीख से 27 तारीख में आप यहाँ आए थे, हमने आपसे बातचीत की, उस दिन आपका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था लेकिन आज उसमें जोश भरता हुआ दिख रहा है, आखिर इस जोश के भैया जब सुनो काम तो बनो बिगड़ जा चेहरा उतर जाए, या सरकार को 2.5 महीना से उतर रो का दिन पड़ गया ही चेहरा मेरो एक दिन में पकड़ लियो तुमने, तुम्हारे ढंग थर्मामीटर बहुत जोर को हमारे लिए, हाँ हम पे तुम एक दिन में थर्मामीटर लगा दो और वहाँ 2.5 महीना थर्मामीटर ना गए हो तुम्हारो। तो सरकार अब कह तो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी पीएम साहब खुद बोल रहे हैं कि बात करने के लिए सिर्फ एक कॉल काफी है, आप एक फोन तो कीजिए। तो नंबर कहाँ है वहाँ फोन को बाको, नंबर बंबर है कोई कोई बाको के सिमी ना लिख लिया, अभी हवा में ही फोन कर ले कहीं एक्टिवेट ना हुई। तो शायद किसानों से वो खुद ही फोन करे के बात करें, और कौन करे, वो चुने हमने तो बात किससे करने जाएंगे भाई, हमसे ही। अब लगता है कि जल्दी ही इस मामले का निपटारा, अब ये तो वो बताएंगे कब तक निपटाएंगे, हम तो परी हैं अपनों लाठी से अपने सोटा डंडा लेके अपने खाने पीने एक सोता। अच्छा तो बिल्लू साहब लास्ट सवाल बस एक आखिरी, राजनीति से हटकर और सारी बातों से हटके क्या लगता है कि 28 तारीख की रात में सबसे बड़ा हाथ किसका था इस मामले को निपटाने के चक्कर में? निपटाने कैसे, जिस तरह से यहाँ से किसानों को भगाने के चक्कर में था वो सबसे बड़ा हाथ किसका था? ये बतो ना यार, इनके विधायक गुंडा ने ले आए, तुम्हें ना बताया बात की भाई, गिरफ्तारी आंदोलन में होती चलती रहे, कोई नई बात ना आए, आंदोलन करें गिरफ्तारी भी है जंग। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ राकेश टिकैत वाटे उनको जो उन्होंने जो करो किसान के संग, भाई मैं अपने किसान के संग मर जाऊंगा लेकिन मैं अपने किसान छोड़ के नहीं जाऊंगा, वो देखने लायक सीन हूँ और उनकी आंख से आंसू निकले, क्या अपराध करे हो भाई उन्होंने, आंदोलन करनो किसान की लड़ाई लड़नो अपराध है देश में, बताओ अपराध हो तो। उसमें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रातों रात धारा 144 लगा देना, अरे बल लेकर आ जाना, मेरी बात सिद्धू पे तो इन पे कोई धारा लगी ना दीखे, उन धारा ने लेकर हमारे पीछे पड़ रहे हैं, देखी जाएंगी उन धारा को भी करेंगे इलाज। आपको लगता है आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है? अरे जान दे कार्रवाई कहाँ करें, मैं इस गोली खाएगी चोर हूँ मैं, लगे तू माफिया हूँ मेरे ऊपर कार्रवाई है, तुम आगे मो यार धमकाने के लिए, धमकाने के लिए नहीं, जिस तरह से आप बजरंग दल और बाकी लोगों को टारगेट करके बोले, टारगेट मैं कब कर रहा हूँ बजरंग दल के भाई ने कहा बंदरन को दल, एक आर की बात करे यार के बजरंग दल, तू भालून को दल बना लगे भाई, क्या बोलूंगा मैं भालू दल। तो आप बिल्कुल भाई बजरंग दल को मतलब कहा बंदरन को दल बानरन को दल, और बंदर कहा करे, बंदर कुत्ता की करते रुक नहीं, बंदर भले काम करे, आपको नहीं लगता साबाने लेके खाई के तेल ले, आपको नहीं लगता ताओ ताओ आप सुन छत्तन पर जाल लगा रखे लोगों ने कहानियां और बंदर आ जाएंगे, वही दल तो है यार, और कौन सा दल है? आपको नहीं लगता आपके इस बयान से कुछ मामला, अरे मेरे बयान ने मेरे को गाली दी है, मेरे बुरी बात कही है आपको पता है करणी सेना ने, अरे यार मैं मर जाऊंगा तू आज ही मैं मायके ले कहीं जाऊ मर को, कोई बात नहीं यार खामोगा की, आप बिल्कुल बात कोई ऐसी भाई मैंने कोई गलत बात कही है, मैं तू यूं बता दे मैंने गलत कही है तो भाई मुंह में चार जूती मारो यहाँ खड़े हुए सभी, मैं बजरंग दल बानर दल बंदरन को दल, और मैं कहा कौन सा दल बोलूंगा बता, कौन सा दल बोलूं, शेरन को दल बोलूंगा किसान यूनियन उछल कूद के लिए, जिन मोहल्ले में बंदर में लंगे ना उनके वो जाल पड़े ना वहां में, क्यों भाई बंदर आ जाए, कोई लत्ता खींच ले जाए, कोई साबन ले जाए, कोई कटोल ले जाए, और बंदर कहाँ करे। तो आप उस दिन का 28 तारीख के मैं बता रहे हैं कि जिस तरह से वो सामान लेकर गए वो वही चीज थी, अरे और कहाँ करने आए हो, यहाँ कहाँ आरसी उतारने आए काई की, यहाँ तक तो लूट खचोट कर लेगे भाग गए हो कामों का की बात। तो ये थे बिल्लू ताओ जिन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे बता दिया है कि किस तरीके से लगातार वो लड़ाई में लगे रहेंगे और कहीं ना कहीं अब वो सरकार की जो बात है उस पर भी अमल रखेंगे। राहिल कस्सार के साथ अफशार उलक, प्राइम न्यूज़, गाजियाबाद।